नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बताएंगे कि कितना हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण तथा क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियाँ, एवं बताएंगे कि कब तक होगा इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण, कौन सी विशेष तकनीकी का हो रहा है प्रयोग, यह भी जानेंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के वर्तमान सरकारें अत्यंत तीव्रता के साथ कार्य कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना में प्राप्त की गई उपलब्धियों की। बता दें कि भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहले फेज का कार्य तेजी से जारी है। इसमें 100 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है, 250 किलोमीटर तक पिलर खड़े किए जा चुके हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से कर्णावती के मध्य चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को कर्णावती में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा गया है। निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 40 मीटर लंबे फुल स्पैन बॉक्स गार्डर्स और सेगमेंट गार्डर्स को जोड़ करके 100 किलोमीटर तक वायाडक्ट का निर्माण किया जा चुका है। बता दें कि वायाडक्ट एक पुल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दो पिलर को आपस में जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात की 6 नदियां पार, पूर्णा, मिंधौला, अंबिका, औरंगा और वेंगानिया पर पुल का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, गुजरात के वलसाड़ जिले में 350 मीटर की पहली पहाड़ी सुरंग को तोड़ने का कार्य भी पूरा हो चुका है। 70 मीटर लंबाई का पहला स्टील पुल गुजरात के सूरत जिले में बनाया गया है। यह उन 28 पुलों में से एक है, अर्थात पहला है, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भाग होगा। मुंबई कर्णावती के मध्य चलने वाली बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करेगी। अभी दुरंतो दोनों नगरों के मध्य की यात्रा 5.5 घंटे में तय करती है। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अभी मुंबई अहमदाबाद के मध्य साधारण रेल से दूरी 7 से 8 घंटे की है, परंतु यदि बुलेट ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी तो 3 घंटे में 508 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी, अर्थात औसत गति 170 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। स्टेशनों की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस रूट पर 12 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, भोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती होंगे। इनमें मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण की 508 किलोमीटर के रूट में से 351 किलोमीटर का भाग गुजरात और 157 किलोमीटर का भाग महाराष्ट्र से गुजरेगा। कुल 92% अर्थात 468 किलोमीटर लंबा ट्रैक एलिवेटेड होगा और मुंबई में 7 किलोमीटर का भाग समुद्र के भीतर होगा। कुल 25 किलोमीटर का रूट सुरंग से गुजरेगा, जिसमें 13 किलोमीटर का भाग भूमि पर होगा। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे, 21 नदियां पार करेगी। 173 बड़े और 201 छोटे ब्रिज बनेंगे। आरंभ में 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेन से ही होगी यात्रा। ये ट्रेनें प्रतिदिन 70 फेरे लगाएंगी। एक बुलेट ट्रेन में 750 लोग बैठ सकेंगे। तत्पश्चात 1200 लोगों के लिए 16 कोच हो जाएंगे। 2050 तक इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 105 करने की योजना है। यह भी बता दें कि बुलेट ट्रेन अर्थात जो पहला बुलेट ट्रेन होगा वह वर्ष 2022 तक चलाए जाने का टारगेट था, परंतु फिर इसे बढ़ाकर के 2023 किया गया। इसके पश्चात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब यह 2026 तक इसके चालू होने की आशा है। इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से सहायता मिल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सूरत से बिलीमोरा के मध्य पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। ऐसा होते ही भारत 15 देशों के एलिट क्लब में सम्मिलित हो जाएगा जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश के पश्चिमी भाग में तटीय क्षेत्र से होकर के गुजरेगा, जहां कुछ क्षेत्रों में हवा की गति विशेष रूप से अधिक रहती है। इन तेज हवाओं का प्रभाव ट्रेन परिचालन पर पड़ सकता है। इस समस्या के निवारण के लिए 14 स्थानों पर, जिसमें कि गुजरात में 9, महाराष्ट्र में 5 स्थित पुलों पर एनेमोमीटर लगाने के लिए चिन्हित किया गया है।
नदी पर बने पुलों तथा अचानक और तेज हवा की संभावना वाले क्षेत्रों पर यह उपकरण अर्थात डिवाइस विशेष रूप से हवा की गति की निगरानी करेंगे। यह स्थान गुजरात के दमन गंगा नदी, पार नदी, नवसरी सुबुर्ग, तापी नदी, नर्मदा नदी, भरोच वडोदरा रेल खंड के मध्य में माही नदी, बरेजा साबरमती नदी तथा महाराष्ट्र के देसाई खादी, उल्हास नदी, बंगला पाड़ी और वैतरणा नदी एवं धनु सुवर्ग में चिन्हित किए गए हैं। एनेमोमीटर एक प्रकार की आपदा निवारण प्रणाली है जिसे 0 से 360 डिग्री तक 0 से 252 किलोमीटर प्रति घंटे तक की सीमा के भीतर वास्तविक समय में हवा की गति का डेटा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यदि हवा की गति 72 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है तो तदनुसार ट्रेन की गति निर्धारित की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर स्थापित एनेमोमीटर के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर हवा की निगरानी करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से कर्णावती तक का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अर्थव्यवस्था के एकीकरण में सहायता करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन आरंभ होने के पश्चात मुंबई, ठाणे, वापी, वडोदरा, सूरत, आनंद और अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था एक हो जाएगी। बुलेट ट्रेन के किराए को लेकर के रेल मंत्री ने कहा कि विश्व में जहां जहां बुलेट ट्रेन चल रही है वहां 90% लोग दूरी की यात्रा के लिए बुलेट ट्रेन का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बुलेट ट्रेन का किराया हवाई किराए से बहुत सस्ता होगा। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर नवंबर 2021 में कार्य आरंभ हुआ था और यह लगातार चल रहा है। पहले 1 किलोमीटर के वायाडक्ट का कार्य 6 महीने में पूरा हुआ था, परंतु उसके पश्चात अप्रैल 2023 तक 50 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका था। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 10,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार 5,000 करोड़ का योगदान देगी। शेष धनराशि फंडिंग से लोन लेकर के हो रही है। इसका इंटरेस्ट रेट केवल 0.1% है। बता दें कि देश में बुलेट ट्रेन की प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है, परंतु अब यह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2026 में गुजरात के सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री ने दावा किया है कि अन्य देशों में 500 किलोमीटर के मध्य बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20 वर्ष तक लग जाते हैं, परंतु भारत में यह कार्य 8 से 10 वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। भारत इसके लिए इसी महीने के आखिरी तक जापान से E5 सीरीज की 6 बुलेट ट्रेन की क्रय करेगा। यात्रा को 100% सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी को अपडेट कर ऑटोमेशन ट्रेन प्रोटेक्शन की तेजी से विस्तार किया जा रहा है। यही नहीं, मुंबई में देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के लिए टनल बोरिंग मशीन का कार्य भी आरंभ हो चुका है, जिससे मुंबई में 21 किलोमीटर भाग का टनल बनेगा और इसमें 7 किलोमीटर का वो भी सेक्शन है जो समुद्र के भीतर होगा। यह इस परियोजना का सबसे गहराई वाला भाग होगा। यहाँ भूमि से लगभग 50 मीटर की गहराई में TBM से बोरिंग आरंभ हो रही है। मुंबई में कुल 3 स्थानों पर शाफ्ट बनाकर के TBM से ड्रिलिंग आरंभ होगी। पहली TBM दिसंबर 2024 से बोरिंग का कार्य आरंभ करेगी। बताया जा रहा है कि केवल ड्रिलिंग में कम से कम लगभग 6 वर्षों का समय लगेगा। बता दें कि अगस्त 2026 तक बिलीमोरा से सूरत तक के मध्य के 48 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन चलना आरंभ होगा। यह सेक्शन पब्लिक के लिए उपलब्ध होगा। तत्पश्चात अन्य सेक्शन चरणबद्ध तरीके से आरंभ कर दिए जाएंगे, परंतु मुंबई तक पूरे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 6 से 7 वर्षों तक की प्रतीक्षा करनी होगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।